हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग्स। अभी आई डोंट फील गुड बिकॉज आई एम लीविंग दिल्ली। सो अब दिल्ली में नहीं रहूँगी। हम यहाँ पे कितना काफ़ी 5 साल से थे और अब दिल्ली छोड़ रहे हैं। द नेक्स्ट डे, हाय, इतना ज़्यादा काम होता है तो फाइनली वी आर डन। मैंने आपको कभी ये वाला घर नहीं दिखाया। अब आई एम लीविंग, सो आई विल शो यू। तुम्हारी सोसाइटी है पूरी, मतलब इसमें अलग ब्लॉक्स है, 22 ब्लॉक्स। हमारा 22nd ब्लॉक ही था। सो ये हमारा हॉल था, इट वॉज द बालकनी। एक ये बालकनी बाहर थी, ये हॉल था एंड दिस वॉज द फर्स्ट रूम जिसमें मैं और अंकिता रहते थे। ये वाला बेड हमने यहाँ लगाया था, अपना मेन बेड। ये रूम था, एक ये रूम था, यहाँ पे मैं शूट करती थी, यहाँ पे अलमीरा थी। दिस रूम वॉज पर्पजली, मैं यहाँ पे उसी का शूट वूट ही करती थी सारे रूम में। देन दिस वॉज द किचन, वही है पीछे डोर के पीछे। दिस वॉज द किचन, ये था बाहर डाइनिंग एरिया। यहाँ पे मैं अंकिता कभी कभी बैठ के खाना खाते थे, अंकिता बहुत कम खाती थी। एंड दिस वर द वॉशरूम्स, वॉशरूम टॉयलेट एंड वॉशरूम। कॉल भी है, मम्मी है। अच्छा अच्छा, सॉरी मम्मी। और ये बालकनी थी, ये मेरी फेवरेट बालकनी थी, मैंने यहाँ पे बहुत शूट किया है। ये वाली बालकनी मेरे को बड़ी भी लगती थी। ये वाली बालकनी, हाँ, यहाँ पे रात को बैठ के वाइब लेना हुई। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे वो झूला लगवाऊंगी बट नहीं लगवाया था। और यहाँ ये जितन मेरे हेल्प करवाने के लिए आया है, वो तो मैंने जो उसको आना ही था। बाय बाय होम। हमारे प्लांट्स भी थे जो हम चल। भाई कितनी छाव होती थी इस वाले मतलब एरिया में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। छत है ये सबसे ऊपर, बहुत अच्छी है, वहाँ से लोटस टेम्पल दिखता है। सो ये वाला था हमारा। इस वाली बालकनी में बहुत कम बैठती थी, पीछे वाली में ज़्यादा बैठती थी। आई एम गोइंग टू मिस दिल्ली, बहुत सही है दिल्ली। दिल्ली दिल्ली की वाइब दिल्ली वाली है। आ गया बंदा सुबह सुबह 7 बजे। ओ प्लीज, पंखा वंखा चल रखा है यहाँ पे, आई होप सो सब ले लिया हमने। क्या ऑल डन, इट वाज सो 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 ग्रीन इनसाइड। ये वाला ब्लॉक हमारा था, वाओ। कितनी हवा सी चल रही है दिल्ली में, यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी छाव छाव रहती थी। हम साउथ दिल्ली में रहते थे। आई विल रियली मिस दिल्ली, मतलब बहुत बहुत ब्लिसफुल डेज निकले हैं मेरे यहाँ पे। टिक 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 टिक, हेलो। बस अब थोड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची है। ग्राउंड था भाई यहाँ पे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कराटे क्लासेस, पता क्या क्या चली रहती थी सोसाइटी में। और यहाँ पे फंक्शन भी होता था। ये पेट्रोल पंप है पीछे, वो रही हमारी छोटी सी गाड़ी, ये हमारी पीली सरसों। पीली सरसों हमारी सीबी, हमें घर से निकालना है मकान से एकदम से, जल्दी 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 निकलो हमारे हिमाचल में, ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ पे तो करते हैं, ये नहीं, हमने ताला लगा। अभी ताला लगाएंगे, अभी आए तो देख के अपना काम खत्म, अपना काम खत्म कर रहे हमको। इधर इधर इस, तब तक मैंने बोला मम्मी आप भी अंदर बैठ जाओ, तब तक काम हो रहा है गाड़ी में, चलो जाओ अंदर। थोड़ी मेरा छोटा गेट मेरे घर के बिल्कुल पास पड़ता था, मैं इसी से जाती थी, 9:30 क्लोज होता था। हाँ जी, कुछ ना कुछ कार पहले नहीं रहते। हाँ वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ भी काम करो दिल्ली में तो आप कुछ भी काम करो। जय करें फ्री बंदे का कोई तो ट्रक का नंबर नंबर पता था, बंदे का कोई रूटीन नहीं, ट्रक का नंबर नंबर मेरे को भी यही चीजें बोली जाती है। रियल, अच्छा, बाय।
फिर ओसीटी सुटी स्कैन करवाया फिर बस बाय बाय रेड फोर्ट। मेरा एक ब्लॉग है वो देख लेना आप लोग, मैंने रेड फोर्ट का डाल रखा है। शाम के बज रहे हैं 5:30, हमारे ड्राइवर ने हमें पहुंचा दिया है 5:30। एक ट्रक हमारे पीछे चला, ये बंदी सो सो के आई है, थकी आ रही। पहुंच गए हम, सबसे पहले उठी थी सुबह 6 बजे। मैं 6 बजे, मैं रात को 4 बजे सोई और 6 बजे उठी। Oh my God, struggle। जिसका सामान था वो है नहीं है, मेरा भी ये सामान दो। चल रहे हैं, पहुंच गए हैं, बस 2 मिनट्स अवे। सामान धोते हैं फिर से ऊपर, अब यही है होम, दिस इज होम नाउ। पहुंच तो गए हैं, देखते हैं अब यहाँ से तीसरी मंजिल चढ़वाना है। ओ भाई, 3 बंदे बुलाए हैं, देखते हैं क्या चलता है। आधा सामान तो नीचे हम अपने स्टोर में ही रखवा देंगे यहीं पे। A few moments later, भाई हालत बहुत खराब है, जिम आ रहा है काम। वैसे तो 3 बंदे लगाए हैं बट स्टिल ना ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाएगा काम, तो फिर साथ में लग ही जाते हैं। तो मैं भी ला रही हूँ सामान ऊपर से नीचे ताकि जल्दी हो जाए। सब कुछ हुआ है, एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप। इतना सामान है, कैन यू जस्ट इमेजिन, मेरा और अंकित का सामान है ये इतना सारा। हाँ जी बताओ किसमें। ये मेरा रूम है जो कि बहुत मेस्ड अप लग रहा है। 8 weeks later. Hi everyone. So, मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ। यू नो सेटलमेंट में बहुत टाइम लगता है, वही अनपैकिंग, फिर से अपना सारा सामान रखना, ये वो सो। एंड मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। बस अभी यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगी है क्योंकि नई बिल्डिंग है, नई खुली है, अभी 1 महीने हुए हैं जिम को। तो मैंने 6 मंथ की मेम्बरशिप ले ली है अभी यहाँ पे, चल रही हूँ मैं। और ये कितने फ्लोर है, कम से कम इतनी सीढ़ियाँ होंगी, 100 सीढ़ियाँ तो होगी, लिफ्ट लगी नहीं है अभी। एंड अभी दिवाली है कल, सो आई शूट अबाउट दैट एज वेल। रेस्ट अभी, सेटलमेंट को काफ़ी टाइम लग रहा है। आई एम मिसिंग अंकिता इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड रेस्ट वर्कआउट के बाद आपको बताती हूँ। अब ये कंस्ट्रक्शन ही है और यहाँ से कोई गिरा, भाई मौत है सीधा। और लेग डे वाले दिन यहाँ से आओ चल के, और गलती से फंबल हुए। जिम से पहुँच गए घर, और घर पे ओ माय गॉड, पापा बेबी शिमला से आए हैं, अभी पहुँचे ही हैं। मैं और मम्मी सफाइयाँ, मेरी मम्मी ने इतनी सफाइयाँ करवाई है ना मेरे से, पूछो मत। हाँ, मैं 3 दिन से सफाइयाँ ही कर रहे थे हम। अच्छा, एक चीज़ आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। तो मेरे को टाइम हो गया, मतलब मम्मी को, जो मेरा फ़ोन है मम्मी ने लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि जैसे हमारा फ़ोन पुराना हो जाए तो वो ले लेते हैं। तो मेरा 1+ था, 1+70 था पहले मेरे पास, फिर मैंने आईफोन लिया 13, फिर अब मैं अपग्रेड कर रही हूँ। अब मैंने सोचा कि व्लॉगिंग थोड़ी और अच्छी हो, तो मैंने अब 16 लिया है, प्रो लिया है, कि मेरे को लगा व्लॉगिंग ज़्यादा बेटर होगी। तो अब मैं अपना वाला फ़ोन दे रही हूँ मम्मी को, और वो मंगवाया है मैंने दुबई से विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड। अब देखा होगा आपने मेरे पांडिचेरी व्लॉग में, वैभव से, वो बाहर ही रहते हैं US में, तो उनके ब्रदर थे दुबई में, वो वहाँ से लाए हैं। और आज ही आया है मेरा फ़ोन, मैंने अभी भी लिया है, जतिन के पास दिया था उन्होंने एयरपोर्ट में दिल्ली में, अभी जतिन से मैंने मंगवाया है यहाँ पे, अब भी आया मेरा फ़ोन, सो हैप्पी। ओके, मेरा सामान जो मम्मी ने मंगवाया था जिम से, दूध, पनीर, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। हेलो लवली। हेलो हेलो, कब पहुँचे? अभी आया, अभी आए। ओके, वेयर इज मॉम, मदर ना रहे? ठीक है, अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, और मम्मी मेरी अब फ्री हुई है काम वगैरह करके, बेचारी अभी नहा रही है। तब तक मैं सोच रही हूँ अपने डाइट वाले चावल बना देती हूँ दोनों के लिए। मम्मी बोला था मैंने प्याज काट के रखना, मैं फटाफट बना दूँगी, वो बनाते हैं और साथ में करेंगे अनबॉक्सिंग थोड़ी देर में।
बहुत मन करता है कि किसी दिन ना खाली एक व्लॉग बनाऊं जिसमें सिर्फ खाने खाने का बनाना, मुझे खाना बनाना पसंद है, जितना भी पसंद नहीं है मजबूरी के लिए, तो बनाती हूँ अपने लिए, अच्छा बना लेती हूँ यूट्यूब से देख देख के और कुछ कुछ मम्मी से सीख के। कभी टाइम मिलेगा तो मैं पक्का इस पे व्लॉग्स बनाऊंगी कुछ अच्छा सा। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन तो बताना क्या बनाऊँ। अभी तो डाइट वाले चावल बनाएंगे फटाफट, अच्छा है, फिर करेंगे अनबॉक्सिंग जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। हाय एंकी, कैसी हो? गुडी, नाक फुला दिया। से हाय टू माय 2K सब्सक्राइबर्स। 2K? अभी बहुत ले आ रहे थे। लो जी, पापा से कटवा दिया प्याज ताकि हमारे आंसू ना आए, हम रहे प्रोटेक्टेड। ये रहे हमारे डाइट वाले चावल तीनों के लिए। बेबी भी आ गई है, नींद आ रही है जिससे बहुत ज्यादा। ओ हेलो, रील्स मत चलाओ। अभी डाला एक चेक चम्मच सबको दिया, बहुत कम डाला, इतना नहीं खाना है, सूखा सूखा है। हाँ कोई नहीं, सूखा सूखा ही खाओ। डाइट वाले चावल है, वो घी डाल के देंगे इसमें। वेरी लेस तेल, वेरी लेस घी, नमक, ये पानी लेना। हाथ से खाती हूँ फ्रेंकली, मैं कभी चम्मच से नहीं खाती। रखा है मैंने, मम्मी को रखा, वो भी एक में घी डाला था इसलिए रखा चम्मच, वरना मैं तो हाथ से खाती हूँ, कभी चम्मच से नहीं, मैं स्वाद नहीं आता। इतने बुरे हाल है इनके कि इनसे खाए नहीं जा रहे। अगर इसमें सिर्फ यही होता ना, प्याज मटर गोभी, सिर्फ वेजिटेबल्स, तो ये आराम से खा लेते। न्यूट्री की वजह से मैं तो बहुत डाल डाली अपने आप को ताकि प्रोटीन पूरा हो जाए। न्यूट्री की वजह से इन्हें इतनी गंदी शक्ल बनाई है दोनों ने, ये तो सांस रोक रोक के खा रहे हैं। सो अनहेल्दी पीपल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पता है कितना प्रोटीन लेना चाहिए आप लोगों को। ये बंदी भी बोली ऐसे सांस रुक, जैसे पता नहीं दवाई खिला रही हूँ मैं कोई, तो मुश्किल से किया है। वरना पुलाव मैं वैसे बनाती थी, ये सेकंड राउंड भी लेते थे टेस्ट के लिए। अभी मैंने ना ज़्यादा घी डाला है ना कुछ, तो अब इनकी शक्ल देखो वीडियो बनानी। भाई देख कितने बुरे हाल है, रील चला चला के चला जरा, रात को भी बंदा ऐसी चला रहा होता है रील। फिर और फिर सुबह लेट उठते हैं, फिर ऑफिस लेट जाते हैं, क्योंकि आज इन्होंने मुझे 9:30 कॉल किया था। ऐसा नहीं है, मैं तो सोया था। क्यों सोया था? मॉर्निंग वॉक पे गया था पहले। अच्छा, मॉर्निंग वॉक पे जाके फिर सो जाता है कोई बंदा? नींद आ गई मुझे। ऐसे कैसे नींद आ गई? एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज की नींद आती है? तब लोग जिम में ही घर बना ले, मेरी सो जाए जाके। गाइस अनबॉक्सिंग टाइम, अनबॉक्सिंग टाइम। हमारा पैकेट, इसको मत लेना यार। क्यों? इधर गंदा जैसे पहनी हुई बाबू जी। वन प्लस को हम अलविदा बोलेंगे और दूसरे आने वाले फोन को हम लव यू बोलेंगे। हम चीजों को भी प्यार, नॉन लिविंग थिंग्स को भी प्यार करते हैं। ये उसने वो भेजे हैं स्क्रीन गार्ड, दिल्ली में सस्ते मिलते हैं, यू नो 100-100 रुपए। ये आप, एक आपके लिए स्क्रीन गार्ड, एक मेरा है जी। यस ओके, ज्यादा ही टाइटली पैक किया है जतिन तुमने, अगर तुम वीडियो देख रहे हो। इसको वो कर दो ना, वो कैंची लाऊं? नहीं कैंची लाते हैं। आई कांट वेट। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। कैंची लाती हूँ यार, कैसी हो तुम? कैंची ओ यार, कैसे बच्चे आजकल यार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा लगा मेरा मजाक। उसने सोचा कि वो चोरी ना कर ले। एक्चुअली उसने भेजा था एक टैक्सी में, एक मेरे जानने वाले अंकल है। अगर आपको भी जीरकपुर से टैक्सी करनी होगी दिल्ली के लिए तो बताना मुझे, मैं अपने अंकल को बोलूँगी आपको डिस्काउंट में भिजवा देंगे। अच्छे, चंडीगढ़ टू दिल्ली और दिल्ली टू चंडीगढ़।
और वह भी अच्छे हैं। इज वेरी प्रोफेशनल। हम उन्हीं के साथ जाते थे चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली जाते थे। ओ भाई डब्बे के अंदर मोबाइल है भी कि नहीं? पूरी लगाई हुई है संडा में। जते जितना अमीर कब से हो गया रे तू? सही में कैंची की जरूरत थी, वरना आगे आगे वाले पार्ट्स के लिए बहुत मुश्किल होती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हो गया हमारा 16 प्रो। अरे वो अनबॉक्सिंग वाली मैं नहीं बना सकती क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल तुम्हें निकाल के दिखाऊं, क्योंकि ये आया है दुबई से और कस्टम ना लगे इसलिए वो ऑलरेडी ओपन करके लाए थे। टेम्पर टूम्पर लगवा के भेजा हुआ है तो ये वैसी वैसी तुम्हें न्यू फीलिंग तो नहीं देगा, बट इस हाथ में पकड़ते काफ़ी अच्छा प्राइस पे मिल गया दुबई में। मतलब मैंने 256 GB लिया है तो एटलीस्ट 25,000 कम। सो आई वेटेड फॉर, इंडिया में तो अभी मिल भी नहीं रहा है। अब गाइस हम वन प्लस को करेंगे बाय बाय। आपको एक बार बता दूं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर मेनी पीपल जो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली में। हाँ यार, इसका सी टाइप है अडाप्टर, मैंने खरीदा है ऑनलाइन। इसकी लीड भी काफी डिफरेंट है। ये वाला फर्स्ट फोन है जो मैंने खुद मैंने अपने पैसों से लिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी कल दिवाली है, स्टे ट्यून्ड। मिलेंगे आपको सुबह। इस फोन से बनाएंगे वीडियो। So good night, see you in the morning. The next day. मम्मी पापा तो अभी भी हमारी छत कर रहे हैं साफ। तब तो मैं आपको दिखा दूँ भाई, 3 दिन से मेरी मम्मी मेरे से सफाइयाँ करवा रही है, खुद मम्मी लगी हुई है पूरे दिन। आई होप अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है, एक तो हम यहाँ पे रहते नहीं है ना, तो अभी यहाँ पे बहुत सारा काम कराने को है। ये हो गया हमारा हॉल, ये हो गया। अरे मेरी मम्मी पापा ना, मैं मम्मी मेरी इतनी वो है ना रिसोर्सफुल, जैसे ये हमारे पुराने पर्दे हैं। और ये अभी अंकिता ने लिया था ये टेबल दिल्ली में, तो अब ये यहाँ आ गया इस घर में, तो मम्मी ने यहाँ रख दिया इसको। तो जो ये है ना, ये पर्दे थे तो मेरी मम्मी ने फेंके नहीं, और इनके इसके लिए टेबल क्लॉथ बना दिया। और ये भी कुर्सियाँ ऐसी थी हमने, तो यू नो हाउ बैचलर्स लिव, तो ये ऐसी वाली कुर्सियाँ थी। मम्मी ने इसके लिए भी वही पर्दे के खुद कवर सिल के बना दिए। और ये पर्दे के भी भाई आई लव हर क्रिएटिविटी। ये वाला पर्दा ना इतना लंबा था, मतलब ये जो ये दूसरे पर्दे ना इनसे काफ़ी लंबा था, तो मेरे मम्मी ने ये वाले पर्दों को मैच करने के लिए इसका नीचे का काट के थोड़ा इसमें लगा दिया। एंड ब्रो दे आर सो लिट, अभी एक दूसरे के साथ मैच हो, कितना सही लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि ये एक ही साथ के पर्दे हैं। सो यू नो माय मॉम इज़ सो क्रिएटिव। पता नहीं, मैं और अंकिता तो कभी नहीं हो पाएंगे इतने, और हम तो इतना काम के बारे में सोचते भी नहीं है भाई। पुरानी जनरेशन ज़्यादा लिट थी। ये वाला बेड ये भी दिल्ली से आया है, और अंकिता के टेडी बेडी सारे तीनों के तीनों। मैं तो सफाई कर रही हूँ। एंड या आई एम शूटिंग फ्रॉम माय 16 प्रो। बस 12 बज गए हैं, और मेरे फ़ोन को भी, मैं 5 बजे सोई थी, अपने फ़ोन को अपडेट वगैरह करके, वो ई सिम और फिज़िकल सिम का इतना पंगा पड़ रहा है ना कसम से। अभी मेरी जियो वाली सिम चल नहीं रही, एयरटेल वाला हो नहीं रहा, अभी मेरे को जाना पड़ेगा उनके स्टोर में ही करवाने के लिए। सो लेट्स सी, बाकी ड्राइंग एरिया ये तो चलो छोड़ो। अभी हमने ना प्रॉपर अभी हमारा मंदिर नहीं बनाया है, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं थे, तो अब जो मंदिर है ना हम लगवाएंगे, एक इलेक्ट्रिशियन बुला के ये सब निकालेंगे और ये लगाएंगे। अभी ये मंदिर अभी तो नीचे पड़ा ही है, अभी हम चाह रहे हैं यहाँ लगा दें, यहाँ कहीं और कोई स्पेस मिले कहीं बेटर। होप सो, भी साफ सुथरा तो लग रहा है सब। ओह ये तो मेरा
शूट करने वाला फेवरेट टेबल। ये रहा मेरा रूम, ये मेरा इतना वर्क। भाई मेरे को मिरर्स इतने पसंद है, मेरे को बड़े बड़े मिरर्स पसंद है, मेरे को छोटे मिरर्स पसंद ही नहीं है, शांति नहीं मिलती मेरे को। बाकी बाहर तो भी बहुत धूप है, माय गॉड लोगों ने लाइट्स भी लगा दी है, हम तो लाइट भी नहीं लगाई, अभी लगा ही देंगे। ओह ये हमारे दिल्ली वाले प्लांट्स, दे आर सर्वाइविंग। और ये मेरी सोसाइटी है, ये दूसरा वाला मेरा रूम, नहीं अंकिता का रूम है, आई एम सॉरी। ये मेरा रूम, वो वाला मम्मी पापा का, ये वाला अंकिता का रूम। अब इसमें भी मेरा रेसी पड़ा हुआ है, ये भी लगवाना है हमने। पिंकी पिंकी हो रखी है तो मेरे रूम में होना चाहिए था। बस रेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, बालकनी ये वॉल्स वगैरह भी सारी ख़राब होगी, एकदम यहाँ रहते भी नहीं, टाइल्स लगवाएंगे इसमें, बहुत काम है इस घर में होने को। छत पे दिखाती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारा घर थर्ड फ्लोर पे है तो जो टेरेस है दैट इज़ ऑल्सो ओन्ड बाई अस, लगी हुई है बेचारी अस्थमा है इसको। मैं बोल रही थी आज क्रैकर्स वगैरह पड़ेंगे, वैसे ही गंदी होगी छत। ये देखो गुंदी, ये देख लगाया हुआ है कि इन्होंने अपना दूध साथ में। अच्छा लगे हुए हैं ये लोग, ओके। भाई मेरा इतना मन करता है ना इसको यहाँ पे ही अपनी होम जिम बना दूँ, यहाँ पे ये लग जैसे इन्होंने ये टीन लगवाई है ना, यहाँ पे टीन लगवा दूँ और यहाँ पे अपनी एक होम जिम सेटअप करूँ, मज़ा ही आ जाएगा। जाने की जरूरत ही नहीं है जिम, यहीं पे होम जिम बन जाएगी, नहीं बढ़िया है। वाओ प्रो से तो बहुत अच्छी आ रही है, द वीडियो क्वालिटी इज़ रियली गुड। चलो जूम करके देखते हैं इसका, आओ इधर आओ मम्मी, चलो आज देखते हैं, चलो इनको कर, आपको क्या जूम करना, इधर करते हैं बिल्डिंग को, रुको। देखो भाई देखो, बताओ किस घर में क्या देखना है, सही दिख रहा है ना बेटे, मजा आ गया। इन्होंने कुछ इन्होंने पिंक कलर का क्या लगाया हुआ है अपने, दिख रहा है आपको वो, देखो ऐसे नहीं ना। और ये देखो एक एक के घर का देख सकते हो आप, अब मैं यही यूज करूंगी लोगों के घरों में देखना। नाइस यार गाइस इट्स रियली गुड, आई एम सो हैप्पी, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया आपकी तरफ, पीछे कैसे जाऊँ। ओह नाइस नाइस वाओ भाई, इसका जूम तो मस्त है, मज़ा आ गया देख के। इस तरफ देखते हैं मोतिया में क्या चल रहा है किसी के घर में, ये वाला देखते हैं जो दूर वाले हैं, चलो लेट्स गो। ओ भाई बेटे, मैं किसी के घर के अंदर भी देख सकती हूँ क्या चल रहा है, इतना ही होगा। और यहाँ से मेरे को इतना दिख भी नहीं रहा है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा। इन पे इन्होंने डबल टेप लगा दिया है, बोलते ए, अब जबकि इसको निकाल लो और इसमें गोंद ऑलरेडी बहुत होता है। नहीं नहीं मैं एक एक निकाल के रखा हुआ था ना, ये मैंने सोचा इसका निकाला लेकिन गोंद नहीं है। पापा कह रहे हैं इसके ऊपर टेप लगा दो, हाँ। अभी ऐसे यूज कर लो फिर नेक्स्ट ईयर निकाल के यूज कर लेना। गरीबी की हालत वैसे नॉट अ बैड आइडिया, वैसे नॉट अ बैड आइडिया, मैंने बना दिया है ये, यहाँ पे दिए रखे जाएंगे अब, सही लगेगा, ज़्यादा नहीं करना मुझे, इतना इतना सही है। और बनाई है बालकनी में थोड़ी सी, छोटी छोटी बालकनी में बना दी मैंने तीन, इस पर मैंने शेड डाल दिए ये। हैप्पी दिवाली गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, मैं बस लाइट्स लगा रही हूँ, सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ज़ूम करते हैं, ब्राइटनेस वगैरह करके देखती तो और भी ज़्यादा सेक्सी लगता, ज़्यादा सेक्सी लग रहा है।
मैं लाइट्स लगा देती हूँ, मैं लाइट्स ही नहीं लगाई है, तैयार हो गई हूँ, बस स्वीट्स लेने जाना है हमें, फिर आके पूजा करेंगे। हर साल ना मैं और अंकिता यहाँ पे लाइट्स लगाते थे, दोनों टीम वर्क, यू नो, हम दोनों मिलके लगाते थे रंगोली भी, आई मिस हर सो मच, रंगोली बनाते हुए भी और भी लाइट्स लगाते हुए भी। तो पहले मैंने सोचा हिम्मत करके मैं खुद लगा लूँगी लाइट्स, बट ना इट्स नॉट अ वन पर्सनस जॉब, देन आई हैड टू कॉल दीज बर्ड्स। मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पहना है, ये और ये कॉलेज टाइम, बट आफ्टर मैरिज मैंने मम्मी को भी देखा गोल्ड के अलावा, बट दिस इज लुकिंग गुड, यू लुक लाइक प्रिंसिपल ऑफ सम कॉलेज, यू नो, या यू डू, या तो टीचर स्ट्रिक्ट सी, या तो कोई अच्छी सी एक होती है जॉयफुल जो मॉडर्न सी होती है, जो बच्चों को पूछती है कि आपके बॉयफ्रेंड्स भी हैं वैसे वाली। और ये हमारा बंदा, कुर्ता पजामा का है आपका, रात को लगाएंगे। ओह माय गॉड, ही हैज टू ड्रेसेस। अभी जा रहे हैं स्वीट्स लेने और मैं अपना सिम का भी पूछ लूंगी, खुला है तो है अभी जियो स्टोर, 10 बजे तक खुला दिखा रहा है, देखती हूँ अगर आज ही फिजिकल एक मेरे को सिम दे देते हैं। लाइट्स दिखा दी, सबने इतनी लगाई है, सबने लाइट्स लगाई हुई है बॉस, कुछ कुछ को छोड़ के वो सारे घर गए होंगे, कुछ कुछ यहाँ पे रेंटेड भी है। ये वाली हमारी है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स, इतना चटोरा बंदा है ना ये, समोसे चाहिए, पकौड़ा चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये अंकिता की है, मम्मी ने जो पहनी है, लुक्स नाइस। ये सूट भी अंकिता का ही है, आई डोंट बाय एथनिक क्लोथ्स, ये सब अंकिता पहनती है, मैं उसकी पहनती हूं। आज हमने सब कुछ अंकिता का पहना है, हम उसे मिस कर रहे थे तो हमने सोचा ऐसे कैसे, तो हम उसके ही सब कुछ पहनते हैं, तो इसने उसका सूट पहन लिया, मैंने ये पहन लिया, जबकि मैं तो गोल्ड ही पहनती, मैं तो पहनती नहीं ऐसा, लेकिन आई मिस यू। मम्मी चटनी के लिए चीखड़ी, ग्रीन दो, ग्रीन दो, दो बंदा मुड़ के देख रहा है। पूजा के बाद दिए रखते हैं, ज्यादा एथनिक नहीं पहना जाता मेरे से, मैंने कर लिया है चेंज और मैं ट्विन करी हूँ मम्मी के साथ, कर शिद्दत से लगे हुए हैं दोनों, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा देखना, लिफ्ट करके हो रहा नहीं, हो रहा अभी नहीं, मुझे हो रहा है, ये बंदी जो एक्साइटेड रहती है फुलझड़ियां जलाने को, वैसे हम पटाखे फिर नहीं जलाते, ये भी मम्मी कहती शगुन के लिए ले लेते हैं फुलझड़ी तो, वरना मैं तो कुछ नहीं लेने दिया इनको, पॉल्यूशन नहीं करना, देखना कहीं मुंह पे आए, पीछे रहना, पीछे हो, पीछे हो। कर दी अपनी छत गंदी जो इन्होंने सुबह साफ की थी, शाबाश, हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। बंदी मान ही नहीं रही, चक्री लेनी चक्री लेनी, मैंने बोला बस फुलझड़ी है इसके अलावा कुछ नहीं, फिर बंदी एक अनार तो लेके मानी, वो दे भी नहीं रहा था, कह रहा था हम पूरा पैकेट देते हैं, बंदी उससे प्लीज प्लीज कर रही, शक दिखाओ रही। वेरी बैड वेरी बैड, नॉट बैड। दिवाली मनाओ, खुशियों का त्यौहार है, हैप्पी दिवाली, अच्छे से मनाओ, हाँ किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, अच्छे से मनाओ, पटाखे चलाओ भाई, बचपन से चलाते हैं, करो पॉल्यूशन खराब। दुकान थी इनकी, पापा की दुकान थी, इसे प्रमोट कर दिए, दुकान से निकालते थे पटाखे चलाते थे, प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस, जितने मर्जी चलाओ। मी एंड माय मदर्स चुल एस टू सी कि किस किसने कैसी कैसी लाइट्स लगाई है, उसके लिए बंदी 12 बजे मुझे नीचे लाई है कि चल सबकी लाइट्स देख के आते हैं। उधर चलते पहले एंड में, फिर वहाँ से देखते हैं। हम खाना पचाने के लिए निकले, हमने ना पनीर के पकौड़े खाए थे, समोसा खाया था, तो मेरे को
कुछ ऐसे गड़बड़ हो रहा था, तो हमने सोचा कि पच भी जाएगा और घूम भी लेंगे। गाइस कितने पटाखे चलाते हैं, मैंने तो चलाए भी नहीं। गाइस देखो ये मेरे को डांट रही थी कि इतने पटाखे चलाए, मैंने तो चलाए भी नहीं। मैं तो फुलझड़ी लेने को भी मना कर रही थी, कुछ मत लो तुम। यहाँ देखो गाइस, और अभी हम पूरा दिखाएंगे आपको। मुझे तो नहीं सही लगता ये सब, मतलब मेरे को अगर अकेले दिवाली मना रही हूँ मैं, सिर्फ ग्रीन दिवाली मना रही हूँ। ग्रीन दिवाली सीरियसली फुलझड़ी भी नहीं, ग्रीन दिवाली। तो चलो हम देख लेते हैं, लोग पार्टी करके आ रहे हैं रात को 1 बजे। हाँ मैं और मम्मा आ गए हैं वापस, 1 बज रहे हैं रात के, एंड अब मैं करूँगी व्लॉग एडिट और मैं कल ही व्लॉग डालूँगी ताकि अर्लीस्ट अपडेट मिल पाए आपको मेरी लाइफ की। एंड चंडीगढ़ इज़ डूइंग ग्रेट, मतलब यहाँ का एटलीस्ट एयर क्वालिटी अच्छा है, बाकी आई स्टिल मिस दिल्ली, वही कमी बैठ था धीरे धीरे, अभी भी जैसे आई लिव तो आदत पड़ जाएगी रेस्ट। या आई मिस माई सिस्टर ऑल्सो, क्योंकि अभी मैं अंकिता के साथ नहीं रहूँगी, एंड शी विल बी ऑल बाई हर सेल्फ, आई एम ऑल बाई माई सेल्फ। मम्मा पापा शिमला में होंगे, सो हाँ मम्मा तो विल कम हियर, मम्मा विल स्टे, दैट इज़ फाइन। पापा थोड़ा बीच बीच में ऑन ऑफ, कभी कभी छुट्टी पे आते रहेंगे, बाकी रेस्ट। आई विश यू गाइस ऑल द सक्सेस इन लाइफ, आप ऐसे खुश रहो, आपके परिवार सब हेल्दी वेल्दी रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एवरी टाइम। बहुत अच्छा लगता है जैसे कोई कमेंट करता है पॉजिटिव, बहुत मतलब देर आर फ्यू पीपल जो मतलब रेगुलरली देखते हैं, अपडेट देखते हैं कि ये देखा वो देखा, आई फील सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, जल्दी बनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।